बीजेपी के लीडर उस समय नहीं थे जब रोशनी था, लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसी कार्रवाई हो रही है जो रोशनी के तहत के अलावा है, जो कि स्टेट लाइन पे कब्जा किया हुआ। क्या सच में बीजेपी के किसी नेता ने स्टेट लाइन पे कब्जा नहीं किया? बात बता दूं कि मोदी जी ऐसे नहीं है कि अगर उनके किसी खुद के नेता का कुछ आए, मैं आपको ये बात भी बता दूं कि अगर उनको इनके बारे में पता चल जाएगा तो वो खुद ही इनके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। डीडीसी इलेक्शंस में मैं देख सकती हूँ कि मेरे वाले तो कोई भी नहीं है, बीजेपी का तो कोई भी नजर नहीं आ रहा, कोई भी एमएलए बाहर नहीं है, कोई भी एक्स-एमएलए, कोई भी मंत्री नहीं। जनता जो कैंडिडेट्स हैं वही नहीं बुला रहे उनको, वही बोलते हैं कि आप आएंगे तो शायद हमें भी फर्क पड़ेगा हमारे। वो क्यों पड़ेगा? वजह यही है कि काम कुछ नहीं किया। आपके सामने है, जम्मू सड़क पर है बेचारा, सब कुछ सारे मैटर्स सारे इश्यूज आपके सामने हैं। उनको बुलाना चाहते हैं क्योंकि वो सोचे उनसे उनको नुकसान होगा, तो यदि इतना ही नुकसान होगा तो बीजेपी के हाईकमान को सेंटर को यहाँ पे चेहरे ही बदल देने चाहिए ना। देखिए अभी वो तो जब इलेक्शंस आएंगी तभी चेहरे बदलेंगे ना, आज कैसे बदल सकते हैं? भाजपा के मानती होने चाहिए ऐसे बदलाव, यदि छवि खराब हो रही है। बिल्कुल बदलाव होंगे, आप आगे देखिए ना, अभी तो सिर्फ डीडीसी इलेक्शंस हैं, जब एमएलए के इलेक्शंस आएंगे तो आप देख सकते हैं। आज डीडीसी इलेक्शंस में इनको कैंपेन करने के लिए ही नहीं उतारा जा रहा, तो आप उनको कैसे एक्सपेक्ट करेंगे किसी और चीज? बदलाव संभव है, पूरी तरह से संभव है और बदलाव होगा। ये मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ बदलेगा, जम्मू को एक नई मैं कहूंगी एक नई टीम जल्दी मिलने वाली है और जल्दी मिलेगी एक नई लीडरशिप, और मुझे लगता है कि वो एक बहुत पॉजिटिव वे में आएगी। रोशनी एक्ट के तहत जितने भी यहाँ पर अवैध जमीनों पर कब्जा किए हुए राजनेता या बिजनेसमैन या कोई भी है उनके खिलाफ कार्रवाई अब सुनिश्चित की जा रही है, लेकिन जो लिस्टें जारी हो रही हैं उसमें ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि वो केवल विपक्ष के लिए ही निकाली जा रही हैं। ऐसा कहना आम जनता का भी है क्योंकि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी सभी के नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन आखिरकार बीजेपी के एक भी नेता का नाम रोशनी के तहत सामने नहीं आ रहा। इस चीज़ को लेकर काफ़ी चिंतित लोग हैं और पूछना चाहते हैं कि आखिर क्या भाजपा नेता दूध के दूल्हे हैं? अब हम ये बात यदि भाजपा से पूछें तो हमें नहीं लगता किसी का दम होगा इस बात पर राजी होने के लिए, लेकिन एक बेबाक नेता ज़रूर है। अदिति शर्मा जी हमेशा से सच बोलती हैं, बेबाक बोलती हैं, बिना डरे हुए निडर तरीके से बोलती हैं। अदिति जी आपका स्वागत है। क्या सच में दूध के दूल्हे हैं बीजेपी नेता, कि किसी का नाम नहीं है या सिर्फ दिखावा है? क्यों, पब्लिक तो जानती है, पब्लिक सब जानती है। देखिए अगर कुछ भी सच होगा तो वो सामने ज़रूर आएगा, मैं यही कह सकती हूँ। और रही बात जैसे इन लोगों के नाम आ रहे हैं, तो इनकी सरकार थी उस वक्त बेसिकली, तो वजह ये भी है कि आज सबसे पहले उन्हीं को निकाला जा रहा है, छांट कर निकाला जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी का किसी का नाम नहीं आया है, एक दो लोगों का नाम आया है जो हमारे मंत्री रहे हैं, तो इस बात के लिए मैं यही कहूँगी कि फेयर चल रहा है और अभी नाम आ रहे हैं, आने दीजिए। कोई भी नहीं आया, कोई भी नाम नहीं आया। जिन मंत्री की आप बात कर रहे हैं उन्होंने भी क्राइम में एप्लीकेशन दे दिया कि मेरा नाम फेक तरीके से सर्कुलेट किया जा रहा है। दूसरी बात है, रोशनी एक्ट की बात की जाए, ठीक है रोशनी एक्ट के तहत कईयों ने जो है वो विपक्ष ने की होगी, बीजेपी के लीडर उस समय नहीं थे जब रोशनी एक्ट था, लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसी कार्रवाई हो रही है जो रोशनी एक्ट के तहत के अलावा है, जो कि स्टेट लाइन पे कब्जा किया हुआ। क्या सच में बीजेपी किसी नेता ने स्टेट लाइन पे कब्जा नहीं किया? देखिए ये अब मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ, ये सब जनता भी जानती है और जो कार्रवाई हो रही है मुझे लगता है सीबीआई बड़ी अच्छी इसके ऊपर जांच करेगी और जो भी एजेंसीज हैं कार्रवाई कर रही हैं और फेयर तरीके से निकालें, क्योंकि बात यहाँ पर किसी पार्टी की नहीं होती है, बात होती है हमारी स्टेट लैंड क्या है, हमारी स्टेट क्या, हमारे देश की जो धरोहर हैं हम उन्हें कंजर्व करें, और कोई भी पार्टी का नेता या कोई भी पार्टी हमारे देश से ऊपर नहीं हो सकती है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है बिल्कुल फेयर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए, वो होगी, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ। बाकी मैं ये नहीं कह सकती दूध का धुला कौन है और कौन नहीं है, जनता सब कुछ जानती है, जो जिसके एरिया का है वो सब कुछ जानता है उसके बारे में, और वो बेशक बता सकता है सब कुछ बता रही है, लेकिन फिर भी नाम सामने नहीं आ रही। कार्रवाई सीबीआई की बात की जाए, सीबीआई भी तो एजेंसी ही है, सेंटर की तरफ से उसे निर्देश दिए जाते हैं कि ये आरोप जो है वो कांग्रेस में लगाती है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मोदी जी ऐसे नहीं है कि अगर उनके किसी खुद के नेता का कुछ आए, मैं आपको ये बात भी बता दूं कि अगर उनको इनके बारे में पता चल जाएगा तो वो खुद ही इनके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। भाजपा नेता, आर्मी, ये वो बहुत सारी चर्चाएं चली गई, तो चल रहा है, उनके ऊपर क्यों नहीं हो रहा? उनको कहां से निकाल दिया गया है? उनका नाम वही है, वहीं पर है, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, जिनका आप नाम ले रहे हैं, जो आर्मी लैंड की आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो बनाया है, जो स्ट्रक्चर बनाया है, उनके ऊपर पूरी कार्रवाई हो रही है, उनके ऊपर कोई लीनियंसी नहीं बरती जाएगी, ये भी मैं
आपको बता दूं, मोदी जी अपने ही किसी इंसान के ऊपर, अपने ही पार्टी मेंबर के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे अगर उनके ऊपर कोई गलत आरोप आपको लग रहा है। अंदरूनी तरीके से कार्रवाई हो रही है क्योंकि काफी हमने लीडर्स देखे हैं वो लाइमलाइट में नहीं आ रहे हैं, उन्हें पिक्चर के पीछे रखा जा रहा है क्योंकि नेताओं की जो पहले इतनी ज्यादा पिक्चर के सामने आना होता था वो इन डीडीसी चुनावों में भी सामने उभर के देखा। बिल्कुल, डीडीसी इलेक्शंस में मैं देख सकती हूं कि मेरे वाले तो कोई भी नहीं है, बीजेपी का तो कोई भी नजर नहीं आ रहा, कोई भी एमएलए बाहर नहीं है, कोई भी एक्स-एमएलए, कोई भी मंत्री नहीं है। वजह शायद उनके खुद के कर्म हैं जो सामने आ रहे हैं, जो उनको पता है कि आज की डेट में अगर देखिए जनता जो कैंडिडेट्स हैं वही नहीं बुला रहे उनको, वही बोलते हैं कि आप आएंगे तो शायद हमें भी फर्क पड़ेगा हमारे। वो क्यों वजह यही है कि काम कुछ नहीं किया, आपके सामने है जम्मू सड़क पर है बेचारा, सब कुछ सारे मैटर्स सारे इश्यूज आपके सामने हैं। जब जनता सड़क पर होती है, जनता कुछ मांगने आती है, तो आप अगर गाड़ी अपनी लेकर, अपने बहुत सारी गार्डें लेकर अपने पीछे आगे पीछे पुलिस वाले लेकर आप निकल जाते हैं, तो आज जनता भी वही करेगी आपके साथ में। तो इस तरह का व्यवहार लेकर जिन लोगों ने भी पॉलिटिक्स की है, चाहे ये 2-3-4-5 सालों में, तो जनता उनको वैसा ही जवाब देगी, आज उनको देखना भी नहीं चाहती है। तो यही वजह है कि वो खुद सेंटर तो कहती है हमने बहुत सा पैसा भेजा है आपको। बिल्कुल, सेंटर ने जो किया है, सेंटर के काम आज आप देख सकते हैं। अगर ये आप सर्कुलर रोड देखें हैं, एम्स देखें, जो भी हमारे जम्मू में जो भी प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, चाहे वो टनल्स हों चाहे कुछ भी हों, ये सारी सेंटर की ही देन है। आपने जैसे कहा कि सेंटर पूरी नज़र यहाँ पे रख रही है, यदि बीजेपी नेताओं ने कुछ गलत किया हो तो उनके भी कार्रवाई होगी, तो ऐसा मान लीजिए कि कुछ समय के बाद यदि चेहरे बदल दिए जाएं भाजपा द्वारा, तो वो उसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। बिल्कुल, अगर चेहरे मैं कह रही हूँ कि जो भी फेयर चीज़ होगी सेंटर की तरफ से वही होगी, केंद्र सरकार की तरफ से वही होगी। मोदी जी किसी भी ऐसे इंसान को सामने नहीं लाने देंगे जिसके ऊपर कोई ऐसे मतलब इस तरह की जिनके ऊपर एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट हो। आप भी कह रहे हैं कि डीडीसी चुनावों में लोग खुद नहीं भाजपा नेताओं को बुलाना चाहते क्योंकि वो सोचे उनसे उनको नुकसान होगा, तो यदि इतना ही नुकसान होगा तो बीजेपी के हाईकमान को सेंटर को यहाँ पे चेहरे ही बदल देने चाहिए ना। देखिए अभी वो तो जब इलेक्शंस आएंगी तभी चेहरे बदलेंगे ना, आज कैसे बदल सकते हैं। भाजपा के मानती होने चाहिए ऐसे बदलाव, यदि छवि खराब हो रही है। बिल्कुल, बदलाव होंगे, आप आगे देखिए ना, अभी तो सिर्फ डीडीसी इलेक्शंस हैं, जब एमएलए के इलेक्शंस आएंगे तो आप देख सकते हैं। आज डीडीसी इलेक्शंस में इनको कैंपेन करने के लिए ही नहीं उतारा जा रहा, तो आप उनको कैसे एक्सपेक्ट करेंगे किसी और चीज़ में। और ऐसा होना भी चाहिए, देखिए कोई भी पार्टी के जो वरिष्ठ जो ऊपर जो हाईकमान बैठती है उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए। और मैं पहले भी कहती हूँ कि बीजेपी का एक बहुत अच्छी जो सोच मुझे लगती है कि नेशन फर्स्ट पार्टी सेकेंड, तो ये वो अपने हर एक पार्टी मेंबर्स से भी ये बात कहते हैं, उनको सिखाया भी जाता है कि तुम्हारी बात बाद में होगी, पहले हमारी देश की बात होगी। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना ही सोचकर ये बात बोल सकती हूँ कि जब अगर इनमें से किसी की भी कहीं पर भी इन्वॉल्वमेंट होगी तो वो सामने ज़रूर आएगी, और अगर आज ये लोग अंदर बैठे हुए हैं तो उसकी कोई वजह होगी, वो मैं बोल नहीं सकती। यानी यदि छवि खराब हो रही है तो बदलाव ज़रूरी है और शायद हो सकता है। बिल्कुल, बदलाव संभव है, पूरी तरह से संभव है और बदलाव होगा। ये मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ बदलेगा, जम्मू को एक नई मैं कहूंगी एक नई टीम जल्दी मिलने वाली है और जल्दी मिलेगी एक नई लीडरशिप, और मुझे लगता है कि वो एक बहुत पॉजिटिव वे में आएगी। और जो भी आज तक हमारी जिन चीज़ों की वजह से हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो डिप्राइव्ड रहा है, सिर्फ जम्मू नहीं कश्मीर की भी बात करूंगी, दोनों ही रीजन्स का इतना बुरा हाल रहा है अभी कुछ सालों में आप देख सकते हैं, मतलब जो कभी नहीं हुआ वो भी अभी देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल जैसे आदित्य जी ने बोला कि बदलाव प्रकृति का नियम है और शायद बदलाव होना भी चाहिए, और जिस तरह से ये आरोप लग रहे हैं कि भाजपा की छवि लगातार ख़राब हो रही है जम्मू कश्मीर में, तो शायद उसको सुधारने के लिए एक बदलाव जो है वो भाजपा कर सकती है, मुमकिन है कि चेहरे बदले जाएं, और शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि जिस तरह से रोशनी अटके तरह बीजेपी नेताओं के नाम नहीं आ पा रहे, शायद भाजपा की छवि ना खराब हो क्योंकि नेताओं के ऑलरेडी नाम चेंज होने हो, तो शायद भाजपा की छवि भी बच जाए और नेता भी साइडलाइन हो जाए, इस तरह की रणनीति जो वो भाजपा के आने वाले समय में जरूर हो सकती है। अध्यक्ष जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आप जुड़े रहिए व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।